दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है रेलवे का इंडेंट बुकिंग। अब रेलवे इंडेंट बुकिंग मतलब क्या होता है, जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है थ्रू रेलवेज, तो उसके लिए आपको रेलवे में एक बुकिंग करना पड़ता है, एक स्लॉट बुक करना पड़ता है। जैसे आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं ना, वैसे इसमें एक स्लॉट बुक करना पड़ता है, ठीक है। उसका मिनिमम दो किस्म का पेमेंट होता है, एक होता है अगर आप नॉर्मल रेट में बुकिंग करते हैं तो उसका फिक्स चार्ज है 50,000 रुपीज़। और अगर आप प्रीमियम बुकिंग करते हैं, मतलब आपको बहुत जल्दी में रेट चाहिए, आप नॉर्मल लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, जैसे रेलवे में तत्काल होता है वैसे इसमें इसमें भी होता है प्रीमियम बुकिंग, तो उसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, जो कि आसपास आप पकड़िए 3 लाख से अबव जाता है या उससे आसपास रहता है। अगर BCN है तो, अब BCN मतलब क्या होता है, BCN मतलब आपका 42 बॉक्सेस का होगा, जो रेलवे का आप गुड्स वाला देखते हैं ना, जिसको हम लोग लोडिंग वैगन्स कहते हैं, अगर 42 हो वैगन्स तो उसे BCN कहते हैं, बॉडी कवर्ड केयर ब्रेक्स। और अगर उससे ज्यादा हो, यानी नॉर्मली 58 और 59 हो, तो उसे हम लोग बॉक्सन कहते हैं। उसका डिटेल्स भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये आप कैसे बुक कर सकते हैं, तो इसको बुक करने के लिए, क्योंकि आप तो एक बिजनेसमैन, अगर है ये नॉर्मली एक बिजनेसमैन के लिए किया जाता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन का केसेस में इसमें आप कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सैंड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, चिप्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सीमेंट ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी, तो नॉर्मली एक बिजनेस रिलेटेड, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप आर्मी का गुड्स ये कर रहे हैं, उसका भी अलग है, सब इसी में बुक होता है। आपको रेलवेज में बुक करना पड़ता है, उसी तरह से फिर आपका जब स्लॉट आता है नॉर्मल बुकिंग में, तब आपको स्टेकिंग मिलता है, उसके बाद आप उसको लोड कर पाते हैं। और अगर आप स्टेकिंग का टाइम आप ये लोड नहीं करते हैं, तो वो आपका 50,000 रुपीज एकदम डूब जाएगा। लेकिन अगर आप चेकिंग बुक करते हैं, तो जिस डेट में उसका उस पर्टिकुलर प्लेस का जितना भी आपका फ्रेट होगा, यानी भाड़ा होगा, सपोज कीजिए आप बंगाल से बिहार बुक कर रहे हैं, तो उसका जो भी रेलवे साइडिंग है, सपोज कीजिए हम लोग का जो साइडिंग है, जैसे आप कोलकाता पकड़ लीजिए, कोलकाता से कहीं भी, तो उसका आप जितना भी फ्रेट होगा, तो उससे आपका ये 50,000 लेस करके बाकी आपको पेमेंट करना होगा रेलवे को। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइट क्या है। तो ये देखिए, ये है रेलवे का साइट, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, FOIS, ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। इसी में आपको जाके आपको रेलवे का इंडेंट बुक करना है। यहाँ पे आप कस्टमर्स देखिए, और उसके बाद देखिए ई डिमांड, ठीक है। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तरीका बहुत ही आसान है, या रजिस्टर यूजर में क्लिक कीजिए, ये फॉर्म आप फिलअप कीजिए, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। उसके बाद आप फिलअप जैसे ही कर सकते हैं, वहां से रेलवे से ये वेरीफाई होगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। नॉर्मली आपका पैन कार्ड, GST नंबर, फोटोज और डिटेल्स लगता है बिजनेस का, दैट्स इट, वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वहां पे वेरीफाई होने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड पहले से है, तो मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन, एक इंडेंट लाइव बुक करके दिखा रहा हूँ। इससे आप कोई भी इंडेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको यूट्यूब में शायद पहले कभी ना मिले, तो इसीलिए इस वीडियो को गौर से देखिए और बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें अगर एक स्टेप भी आप गलत करते हैं, तो आपका इंडेंट जो है वो बुक नहीं हो पाएगा और आपका पैसा भी शायद डूब जाए। इसलिए प्रॉपर स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, बहुत सिंपल स्टेप्स है लेकिन प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, तभी आपका ये काम हो पाएगा। ये मैंने पासवर्ड देके कैप्चा भर दिया। अब देखिए ये बुकिंग साइट खुल गया, यहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और ई डिमांड मतलब जो इंटेंट है उसे बुक कर पाएंगे। यहां पे देखिए ई डिमांड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें जाके रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए, ठीक है। अब ये जिसका है, जैसे ये मेरा है, तो मुझे अपना कस्टमर कोड यहाँ देना पड़ता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपको यहाँ कस्टमर कोड दिया जाता है, तो ये कस्टमर कोड आपका होगा, आपका जो बिजनेस इंटरप्राइज है, यानी आपका जो भी है, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, तो जो बिजनेस का नाम है उसका एक कोड आपको दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें अपना कोड देके इसमें देता हूँ, ये मैंने अपना नाम इसमें, जैसे ही अपना कोड दे दिया, मेरा यहाँ कस्टमर ने ऑटो फिलअप हो जाएगा। और ये स्टेशन मैं कहाँ से लोडिंग करना चाहता हूँ, ये मैं एज अ कंसाइनर ही बुक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कहाँ से लोडिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इस जगह से लोडिंग करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए सब जगह का नाम, स्टेशन का आपका नाम मिल जाएगा, तो आप कहाँ से बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। देखिए
ये मैंने इस सेशन से लोड करना है, GSDD तुमका सेकंड लाइन बोल के, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम कुछ फिलअप नहीं करना, ये जस्ट एड अनदर ऑप्शन में क्लिक कर देना। अब प्रॉपर पेज खुलेगा और आपको तीन पेज में फॉर्म फिलअप करना होगा। चलिए पहला पेज तो खुल गया। यहाँ पे देखिए जो जो स्टार मार्क है वो आपको बेसिकली फिलअप करना है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए आपका कस्टमर कोड शो हो रहा है, यहाँ आपका टाइम शो हो रहा है, डेट शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, रेक, मिनी रेक और पीस मिल। तो आप रेक बुक कर रहे हैं तो आप आर क्लिक कीजिए, वहां पे डिटेल शो हो जाएगा कि क्या है। देखिए आर आ गया। अब आपको यह कंसाइनर का एड्रेस फिलअप करना है, यानी आपका एड्रेस जो आप बुक कर रहे हैं, तो जहां से जहां बुक करना चाहता है। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आपका डिटेल्स मिल जाएगा, और नॉर्मली मुझे तो लगता है आप अपना एड्रेस को जानते भी होंगे, तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस कॉपी कर लेता और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे ट्रैफिक टाइप्स, यहाँ पे ऑप्शंस क्या है क्या है पहले देखिए। यहाँ पे देखिए तीन चार ऑप्शंस है, एक है गवर्नमेंट कोल है, एक जनरल गुड्स है, एक मिलिट्री है, एक पब्लिक कोल है, एक RMC है। तो आप हम लोग नॉर्मली हम लोग जनरल गुड्स में ही भरते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल गुड्स है, कोई पेरिशेबल गुड्स है नहीं, ना कि गवर्नमेंट है ना कि कोल है, ठीक है। तो जनरल गुड्स में हम लोग बुक कर लिए। उसके बाद एक्सपेक्टेड लोडिंग डेट में आप कब का डेट का लोडिंग करना चाहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मली आप हम मुझे एक प्रीमियम इंडेंट बुक करना है, तो मैं आपको प्रीमियम इंडेंट के लिए मैं आपको पर्टिकुलर डेट बुक कर रहा हूँ। तो ये 7 को मुझे बुक करना, तो 7 का डेट दे दिया। और यहाँ पे मुझे BCN बुक करना, मैंने आपको पहले ही कहा था BCN और बॉक्सन। तो जैसे आप BCN मारेंगे आपके पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, बॉगडी कवर्ड एयर ब्रेक्स, ठीक है। अब आपको यह कमोडिटी कोड देना, आप क्या लोड करना चाहते हैं। तो मुझे तो स्टोन चिप्स लोड करना है, तो मैंने स्टोन यहाँ पे ऑप्शंस में दे दिए। देखिए स्टोन आ गया। अब जिसका जो भी ऑप्शन रहेगा वो अपना वो ऑप्शन देगा। अगर आपको सैंड लोड करना है सैंड दीजिए, आपको सीमेंट लोड करना है सीमेंट दीजिए, स्टील लोड करना है स्टील, जो आपका आइटम है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉर्मल, मैंने आपको पहले ही कहा था ये नॉर्मल के लिए 50,000 होगा, लेकिन मुझे प्रीमियम बुक करना है, तो मैंने यहाँ पे प्रीमियम का जगह यस कर दूंगा। अगर आप नॉर्मल, बाकी पूरा प्रोसीडियर सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको वाई करना है अगर प्रीमियम बुक करना है तो, और नॉर्मल बुक करना तो एन रख देना, और कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे कहाँ पे आपका आइटम डिलीवर होना चाहिए, तो आपको वो स्टेशन कोड देना है। तो नॉर्मली मुझे जहाँ देना है मैं वो दे रहा हूँ, मुझे यहाँ ले जाना है, वो आ गया। अब यहाँ पे फिर एक कमोडिटी आपसे पूछ रहा है कंफर्म करने के लिए, तो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। और एक कम्युनिटी में भी क्या, वो आपका डिटेल्स पूछ रहा है, मैं डिटेल्स दे दे रहा हूँ, आपका जो भी होगा आप उसको भर सकते हैं। अब आपका कंसाइनी कोड, यानी एक तो हो गया कंसाइनर जो माल बेच रहा है, और दूसरा हो गया कंसाइनी जो माल खरीद रहा है, तो कंसाइनी आपको देना पड़ेगा। तो कंसाइनी चलिए मैं दे देता हूँ, उसका एड्रेस हमको सिर्फ फिलअप करना पड़ेगा, बाकी डिटेल्स अपने आप आ जाएगा। चलिए मैं एड्रेस दे देता हूँ। स्टॉक टाइप वापस से मुझे BCN सिलेक्ट करना होगा। यूनिट मैंने आपको पहले ही कहा था BCN है, यानी 42 होगा, और अगर बॉक्सन होता तो ये 58 या 59 होता। और इसका वेट आपको टन में, नॉर्मली स्टोन चिप्स का 2600 से 2500 टन रहता है, वो डिफरेंस होता है हर आइटम के लिए अलग अलग। तो ये नॉर्मली मेरा 2600 टन होता है, ज्यादा होता है कम होता है, लेकिन लगभग उस कैटेगरी में आता है, इसलिए हम लोग 2600 टन भरते हैं। उसके बाद इसकी जब से पूरा ठीक हो जाएगा, हम इसको कंफर्म इफ नोट करेंगे। तो अगर ये पूरा डिटेल सही है तो ये देखिए नीचे कंफर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं ये येलो हो जाएगा और आपको फिर नेक्स्ट में क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे फ्रेट एडवांस स्कीम में आपको यहाँ पे नो पेमेंट कर देना, क्योंकि आपको फ्रेट एडवांस नहीं देना है, और फ्रेट कौन पेमेंट करेगा ये करना है। तो नॉर्मली अगर आप कंसाइनर फ्रेट पेमेंट करता है तो कंसाइनर सिलेक्ट कर सकता है, अगर कंसाइनर पेमेंट करता है तो कंसाइनर सिलेक्ट कर सकता है। तो मैंने कंसाइनी सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं, बस कैप्चा भरना है और सबमिट मार देना। अगर मेरा पूरा डिटेल सही है तो मेरा यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन का ऑप्शन आ गया, और मुझे एक OTP देके उसको फाइनल करना है। देखिए मेरा डिमांड स्लिप जनरेट हो गया है, उसके बाद मुझे कंफर्म विद OTP करना है, इसको यस दबाना है, और बस अब मुझे पेमेंट करके इसको कंफर्म कर लेना है।
चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ। ये देखिए, ये मुझे पेमेंट का पोर्टल में ढकेल रहा है और अब मुझे पेमेंट करना है, बस मेरा डिमांड क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरा यहाँ ई डिमांड रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि कैसे इंडेंट बुक होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये पेमेंट तो मैंने कर दिया, आपको पता कैसे हुआ ई डिमांड सक्सेसफुल आ गया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि इंडेंट आपका कंफर्म हो गया? तो उसका लिए देखिए, वापस FOIS के ये साइट में आइएगा और यहाँ कस्टमर्स में देखिए ODR लिखा है। जैसे आप इस ODR में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रेलवे का डिपार्टमेंट है, जैसे ईस्टर्न रेलवे है, ईस्ट कोस्टर्न रेलवे, साउथ, आप जो रेलवे में आप बुक किए हैं, जैसे मेरा ईस्टर्न रेलवे है तो मैंने ईस्टर्न रेलवे करके मैं यहाँ पे डिटेल्स भर दूंगा कैप्चा। तो उस ईस्टर्न रेलवेज में जितना भी इंडेंट बुक हुआ है उसका टोटल समरी आपको यहाँ दिखेगा। ये थोड़ा स्लो प्रोसीडियर है, ये खुलने में थोड़ा आपका वक्त लगेगा, लेकिन इसमें कोई यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है। अब आराम से ODR में, FOIS में जाके, ODR में जाके ये लिस्ट चेक कर सकते हैं। इससे आप ये पता कर पाएंगे कि आपसे पहले उस पर्टिकुलर प्लेस में या वो स्लॉट में किसने बुक करके रखा है, यानी उसके बाद किसके बाद आपका नंबर आएगा और आपके पीछे कौन कौन है। इससे आप ये चीज चेक कर पाएंगे आपका स्लॉट भी बुक हुआ है कि नहीं, ये डिटेल्स इसमें शो होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गई। ये साइट थोड़ा खुलने में स्लो है, तो ये जैसे ही खुलता है मैं आपको इसका डिटेल्स दिखा देता हूँ, आप कैसे चेक कर पाएंगे ये भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस आप कैप्चर वर्क के पूरा स्लॉट आ जाएगा, उसमें कंसाइनी नेम, कंसाइनर नेम, आपका डिवीजन सब दिखेगा। आप अपना हिसाब से आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, पूरा पूरी आपको फिल्टर करने से आपको वहाँ शो हो जाएगा। जैसे मैंने जो साइट से बुक किया है वहां से आप उसको फिल्टर करके निकाल सकते हैं, या जहाँ पे आपका माल जाएगा यानी जो स्टेशन कोड में जाएगा उससे आप फिल्टर कर सकते हैं। आप अपना नाम से फिल्टर कर सकते हैं, आप कंसाइनर नेम से फिल्टर कर सकते हैं, कंसाइनी नेम से फिल्टर कर सकते हैं, आपको सब कुछ इससे दिख जाएगा। तो आशा करता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिलता है तो दोस्तों काइंडली लाइक द चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।